नमस्कार। आज की जो कहानी है वो हमारे शास्त्रों की बहुत गहराई से निकाल कर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये कहानी है रक्त बीज नाम के एक राक्षस की। एक समय की बात है, शुंभ नाम के एक राक्षस ने देवताओं को हराकर पूरी तरह से अपना साम्राज्य स्वर्ग, धरती और पाताल लोक तक फैला लिया था। इस पूरे साम्राज्य पर सिर्फ राक्षस और असुर राज करते थे। शुंभ को जब इतनी ताकत मिली तो उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया और उसने निर्णय लिया कि वो देवी दुर्गा को अपनी पत्नी बनाएगा। इस काम के लिए उसने अपने दो महान सेनापति चंड और मुंड को धरती पर भेजा। हिमालय के पर्वतों की गहराइयों में देवी दुर्गा निवास करती थी। जब चंड और मुंड दुर्गा को ढूंढने के लिए पहाड़ों में घूम रहे थे तो देवी दुर्गा ने अपने शरीर से अंबिका नाम की देवी को जन्म दिया। चार हाथों वाली ये देवी जब चंड और मुंड के सामने आई तो उसको देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने अंबिका को बोला कि हमारे जो राक्षसों के राजा है शुंभ, वो आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अंबिका ने कहा, ठीक है, मैं उनकी पत्नी बन सकती हूँ, लेकिन मैंने बचपन में एक प्रण लिया था कि जो पुरुष मुझे युद्ध में हराएगा मैं सिर्फ और सिर्फ उसी की पत्नी बनूंगी। तो चंडो मुंड ने कहा कि राक्षसों के सम्राट जिन्होंने स्वर्ग, धरती, आकाश, पाताल सब पे उनका राज है, और तुम उनसे युद्ध की बात कर रही हो। हो सकता है आपके राक्षस सम्राट मुझे युद्ध में हरा दे और मैं उनकी पत्नी बन जाऊं, पर मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकती। तो शुंभ ने जब ये बात सुनी तो वो आग बबूला हो गया। चंद्रमुंड, तुम इसी वक्त जाओ और उसका हरण करके मेरे पास लेकर आओ। चंद्रमुंड अपनी पूरी सेना के साथ अंबिका की तरफ दौड़े। जैसे ही चंद्रमुंड अंबिका के पास पहुंचे, अंबिका ने अपनी तलवार से चंड और मुंड दोनों की गर्दन काट डाली और उनके सिरों को अपने पास रख लिया। ये खबर सुनकर शुंभ का दिमाग आग बबूला हो गया और उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार रक्त बीज बाहर निकाला। रक्त बीज को भगवान ब्रह्मा की तरफ से एक वरदान मिला हुआ था। जैसे ही जैसे ही उसके उसके रक्त रक्त की की एक एक बूंद बूंद जमीन पर जमीन पर गिरेगी, गिरेगी, उस बूंद उस बूंद से से एक और एक और रक्त रक्त बीज बीज पैदा पैदा होगा होगा जो जो उतना ही उतना ही बलशाली बलशाली और और उसी उसी तरह तरह का का होगा होगा जैसा जैसा वो वो खुद खुद है। है। अंबिका ने जैसे ही रक्त बीज के साथ युद्ध स्टार्ट किया, जितना वो उसको घायल करती उतने ही ज़्यादा रक्त बीज जमीन से पैदा हो जाते। धीरे धीरे करके हजारों और लाखों की संख्या में रक्त बीज वहाँ पैदा हो गए और रक्त बीज की उस भीड़ ने अंबिका को चारों तरफ से घेर लिया। यह देखकर दुर्गा अपने सिंह से नीचे उतरी और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और चारों तरफ आसमान में काले बादल छा गए और दुर्गा की आंख के बीच में से एक काले रंग की चार हाथों वाली खुले काले बालों वाली एक बहुत भयानक दिखने वाली देवी काली सिंह पर सवार प्रकट हुई। देवी काली के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में एक प्याला। वो अपने सिंह पर बैठकर सीधा रक्त बीज और अंबिका के युद्ध स्थल पर पहुंची। पहुंचकर उसने रक्त बीजों पर हमला करना स्टार्ट किया, पर जैसे ही रक्त बीज की एक बूंद उसके शरीर से बाहर निकलती, देवी काली अपना मुंह खोलती और एक लंबी सी जीभ निकालकर उस खून को चाट जाती। धीरे धीरे करके देवी काली ने रक्त बीज के हर रूप को काटना स्टार्ट किया और उसके खून की बूंदों को अपने प्याले में इकट्ठा करना स्टार्ट किया और उसको पीना शुरू कर दिया। इस तरह से रक्त बीज की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। सारे रक्त बीजों को मारने के बाद जो असली रक्त बीज था उसकी तरफ अपने सिंह पर बैठकर दौड़ी, एक हाथ से तलवार को जोर से उठाकर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और इस तरह अंत में
रक्त बीज पूरी तरह से खत्म हो गया। देवी काली की ये कहानी बहुत तरीके से देखी जा सकती है। मेरा ये मानना है कि ये कहानियाँ हमारे मन और मस्तिष्क के उन हिस्सों को जागरूक करती है जो अंधकार की गहराइयों में छुपे हुए हैं। आप रक्त बीज को अगर अपने मन की इच्छाएँ मानते हैं, और इच्छाएँ जो होती हैं वो जीवन में दुख का कारण बनती है, तो आपके दिमाग के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर ही एक काली भी है जो उन इच्छाओं का हनन करती है, उनको ख़त्म करती है। इस कहानी को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि प्रकृति जो काली के रूप में प्रकट होती है, और दुनिया में संतुलन कायम करती है। हमारे पुराणों और शास्त्रों की जो कहानियां हैं उसमें इंसान को अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। ये कहानियां उस वक्त लिखी गई थी जब इंसान समाज और सभ्यता को समझने की कोशिश कर रहा था, और उस समाज और सभ्यता को रास्ता दिखाने के लिए, एक दिशा दिखाने के लिए इन कहानियों को लिखा गया। इन कहानियों को सिर्फ सुने नहीं, उनकी गहराइयों को और उनके मतलब को समझकर अपने जीवन में एक नई दिशा और नई रोशनी पैदा करें। अगली बार मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक और अद्भुत कहानी भारत के वेद और पुराणों से। तब तक के लिए मैं संदीप वर्मा कोबाल्ट ब्लू फाउंडेशन की तरफ से आप सबके लिए मनोकामना करता हूँ। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और शांत रहिए। नमस्कार।